मैं आपका होस्ट सुशील कुमार, और आज आपके साथ में मैं शेयर करूंगा एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और ये जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये खीरे की बेल है और ये पाइप लगे हुए हैं। किस तरीके से प्रिपेयर किया है, मैं हूँ हेमंत सर के साथ में जो इसको अभी तैयार कर चुके हैं, और कंपेरेटिवली कितना बेनिफिशियल है, राइट, और ये आप घर में भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कितना कॉस्ट इसकी पड़ेगी, तो वो सारा चीज़ है वो डिटेल में हेमंत सर के साथ में। हेमंत सर, इसका आइडिया आप बताओ। सर, ये हमने लिए जो वेस्ट पड़े हुए पाइप्स थे हमारे पास, जो 4 इंची पाइप है वो लिया, उसको हमने होल किया, इसके अंदर कट कर दिया। अच्छा अच्छा और कट करने के बाद इसको हमने ऐसे एक पाइप के अंदर हमने 15 के करीब होल्स निकाले, जिनमें से हमें ऑल्टरनेटिव और बीच में से छोड़ के हमने खीरे की बेल लगाई है। अच्छा, ये मुझको लगता है 1 फुट के आसपास होगा डिफरेंस इन, ये 9 इंचेस के बाद। अच्छा अच्छा, 9 इंचेस के बाद हमने एक एक होल ले लिया। अच्छा, और इसको गैप हमने सिर्फ इसीलिए छोड़ा क्योंकि ये खीरे की बेल बहुत ज्यादा फैलती है, तो एक दूसरे के बीच में ना घुसे और ऊपर आराम से। इन पे तो अभी फूल आ चुका है, ये इस पे खीरे भी लग चुके हैं। अच्छा, ये देखिए। अच्छा अच्छा, खीरे भी आ गए हैं और ये रेडी है। अच्छा अच्छा, ये गिलास में आपने क्या रखा हुआ है? ये गिलास के अंदर हमने कोकोपीट, वर्मिकोलाइट, और कोकोपीट, वर्मिकोलाइट और परलाइट, ये 3 चीज़ों को मिला के इसको इसमें हमने फिल कर दिया ताकि इसकी रूट्स को बाइंड करके रखें, अदरवाइज इसकी रूट्स जो ग्रोथ है इसकी वो इस पानी के साथ ही है। अच्छा अच्छा, जो पानी आप इसमें फ्लो करते हैं। हाँ, फ्लो करते हैं उसी के साथ है। अच्छा, और ये जो तीनों चीज़ हैं ये मार्केट से मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है। अच्छा, जो भी ये पेस्टिसाइड वगैरह बेचते हैं उनके पास सबके पास होगा ये। अच्छा, ये खीरा इस पे लग चुका है यहाँ, तो इस तरीके से तो ये काफ़ी, मतलब 4 पाइप हैं तो आपके पास में ये 60 पौधे बन जाते हैं। 60 पौधे के करीब, और इन पे जो अगर एक एक खीरा ग्रीन लगता है या अल्ट्रानेट लगता है तब भी नहीं, जो है खीरों के याद देखिए ना कितने कितने हैं इसमें, फ्लावर्स ही कितनी है, फ्लावरिंग ही बहुत है। ये सब लगने वाले हैं, ये सब खीरे तैयार है। ये देखिए, 10-15 दिन में आराम से जो है ये बढ़ जाएंगे, महीना और लगेगा इसको अच्छी रेडी होने में। तो अगर घर में ये तैयार करना, आराम से तैयार हो सकता है इसमें, कैसे करें फिर? ये हमने देसी जुगाड़ ही बनाया हुआ है सारा। अच्छा, ये पाइप्स बैम्बूज हैं, बैम्बूज के ऊपर पाइप्स को सिर्फ स्लोप में हमें देना है इसको, ताकि पानी का फ्लो नीचे को जाए सारा, उस तरफ को, दूसरी साइड में, और सारा पानी नीचे से कलेक्ट होके सारा वहाँ से वो सारा वापिस आके, और इधर पाइप हमने एक डाला। अच्छा, मतलब ये जो पाइप पानी आप यहाँ पे डालेंगे इस साइड में, ये इसका स्लोप उधर दे दिया लास्ट में, और फिर लास्ट में ये क्या हुआ कि कनेक्ट कर दिया इसके साथ में, मेन पाइप के साथ। अच्छा अच्छा, इसमें सारा पानी वापस और सारा पानी रिसाइकल। अच्छा अच्छा, दोबारा फिर ये इसमें आपने ये जो गड्ढा किया है, अच्छा ये पानी फिर इसमें स्टोर होगा दोबारा। और इसमें क्या क्या रखा है सर आपने इसमें? अच्छा, ये सारा पानी एकदम ना गिरा इसलिए आपने क्या किया, इसके अंदर से इसका जो वेस्ट निकलता है थोड़ा सा, हाँ हाँ, जो कोकोपीट आ रहा है वो इसमें ना गिरे और मोटर में ना फंसे, इसलिए हमने इसको आगे से ये नेट लगा दिया। अच्छा, ताकि वो पानी छन के गिरे नीचे। ठीक है। अच्छा, इस पानी में क्या क्या रखा है इस आपने? पानी में हमने, वैसे तो इसमें NPK मिलाया जाता है, NPK और बाकी मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो मिलते हैं। अच्छा, बट हमने इसमें सारा देसी काम ही रखा है, इसमें हमने खाद वर्मी कंपोस्ट का जो वो निकलता है वेस्ट वाटर, तो उस पानी को हमने, हम ऐसे एज अ पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं और एज अ इसको क्या कहते हैं, केमिकल, एज अ केमिकल, ताकि इसको इसको फीड मिल सके। अच्छा, वो भी यूज होता है उस एंगल से भी, और प्लस इसमें गोधन अर्क जिसको हम गोमूत्र भी कहते हैं, हाँ जी हाँ जी, वो भी यूज किया गया। अच्छा, क्योंकि उसमें भी अर्थ के सारे कंटेंट्स होते हैं, इसलिए इनको पौधों को और ग्रोथ मिलती है उनसे। अच्छा, तो मतलब एक तरीके से ये आप इसका छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं गोमूत्र? स्प्रे अलग से होती है, स्प्रे तो सिर्फ स्प्रे गोधन अर्क की स्प्रे भी करते हैं हम लोग, और इसमें हमने पानी में भी यूज किया उसको। अच्छा, ताकि इसमें कीड़े भी ना लगे और पानी को भी न्यूट्रिएंट मिलते रहे, पानी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे इनको। राइट, तो कितनी बार मतलब इसकी पानी की सप्लाई करते हैं आप, 2 या 3 बार? आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों के अंदर हम इसको कम से कम, नहीं तो 1-1 घंटे के लिए 4 बार चलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जैसे ये ग्रीन हाउस टाइप का आपने बनाया हुआ है ऊपर? ये ग्रीन हाउस इस ढंग से बना हुआ है हमारा, जो फोल्डेबल है। अच्छा, जो फोल्ड भी हो जाता है। हाँ हाँ। प्लस आजकल धूप बहुत तीखी होती है। हाँ हाँ। और इसलिए हमने इसको लगाया ताकि पौधे जल ना जाएंगे। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो घर की छत है उस छत पे ये आराम से हो सकता है।
और इसके अलावा मतलब आप इसमें खीरे की बजाय आप कद्दू लौकी कुछ भी डाल सकते हो। कद्दू का तो हैवी हो जाएगा कद्दू, लौकी लगा सकते हैं वो भी थोड़ी हैवी हो जाती है, पर इसमें टमाटर हो गए टमाटर लगा सकते हैं सर्दियों में, बैगन लग सकता है इसमें, बैगन का पौधा लगता है, बैगन लग सकता है, टमाटर लग सकता है, लेट्यूस लग सकता है, पालक लग सकती है, अच्छा अच्छा आप धनिया लगा सकते हो, पुदीना लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो आप इसमें। तो मतलब एक फैमिली के लिए मुझको लगता है चार पाइप तो सभी सफिशिएंट सफिशिएंट जी सभी सब। और इसमें तो हमने सिर्फ अभी खीरा ही लगाया, अच्छा अच्छा, अदरवाइज हम इसमें अगर चाहें तो अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, जैसे आधे में खीरा लगा दिया, आधे में बैगन लगा दिया, आधे में टमाटर लगा दिया, वो भी शिफ्ट वो भी हो सकता है। कितना खर्चा आ जाएगा अगर ऑन एवरेज देखते हैं पूरा इसमें? मैंने तो ऑलमोस्ट सारा वेस्ट से ही लिया है, मेरे पास तो कुछ परचेज किया ही नहीं है मैंने तो इसमें से, वो ड्रम फेविकोल का पड़ा था, ये बैम्बूज पड़े थे, ये पाइप वेस्ट पड़े थे, गंदे पाइप है टूटे हुए हैं, ये सब पाइप हमने यूज किए हुए हैं वेस्ट, और मैंने इसके ऊपर अभी तक कोई पैसा नहीं लगाया हुआ। ओके, ये अच्छा, आपने इसमें ऐसी कोई वो भी नहीं रखा, ये बैम्बू जो है ना आपने ये इस्तेमाल कर लिया, नॉर्मल बैम्बूज पड़े हुए थे यहाँ जो वो इसको होल्ड करने के लिए जी। राइट, और ऐसा मतलब कोई ऐसा मतलब आर्टिफिशियल चीज आपने नहीं जोड़ी इसमें? ना, इसमें से कोई परचेज करके हमने कोई चीज नहीं जोड़ी। और दूसरा ये चीज की जो इसमें जितना भी है वो ज्यादातर ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक 99.9% ऑर्गेनिक है अभी तक इसमें सारा। राइट, तो ये तो इसका मतलब जो फैमिलीज के पास में जहाँ ऊपर जहाँ जहाँ ज्यादा स्पेस बचता है तो वहाँ पे ऐसे ही बना सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर ये कोई अलग से ही करना चाहे, हम लोगों के पास तो यहाँ पे ये वेस्ट था, तो ये फिर पाइप 4 इंच का पाइप है, 4 इंच का, 4 इंच के पाइप में फिर आपको ऐसे ये होल कराने होंगे, और फिर ये नॉर्मल जो मार्केट से ग्लास मिलते हैं या इसी टाइप के ग्लास आते हैं? नहीं, नॉर्मल ग्लास आते हैं, उनको हमें वो फिर एक आयरन के साथ उसको गर्म करके उसको होल करने पड़ते हैं उसमें, ठीक, ताकि इसकी रूट्स को न्यूट्रेंट मिलता रहे, न्यूट्रेंट इसको पानी से ही मिलने हैं, पानी इसको ज़रूरी चाहिए। तो मेन आपका ये, तो आई एम श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और आप भी अपने जो घर की छत पे हैं इन चीज़ को ऐसे ये छोटे छोटे प्लांट्स जो है लगा सकते हैं, फूल भी लगा सकते हैं, वेजिटेबल भी लगा सकते हैं, और प्रॉपर रिसाइकलिंग यहाँ प्रोसेस है और बिल्कुल नेचुरल वे में है, कोई इसमें कोई आर्टिफिशियलिटी ऐड नहीं की है, और ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। सो थैंक यू हेमंत सर फॉर दिस नाइस इन्फॉर्मेशन।